बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम कैटरपिलर और परकिंस के डीजल जनरेटर्स की रेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल, यानी इंजन का या जनरेटर का जो मॉडल होता है उसके हिसाब से कितने कितने केवीए के जनरेटर उनकी तरफ से बनाए जाते हैं, उनकी रेटिंग्स क्या होती हैं, तो इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने तो जा रहे हैं। परकिंस जनरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 8.75 केवीए से लेकर 2250 केवीए यानी 2250 केवीए तक हमारे पास डीजल जनरेटर्स की जो रेंज है इसको हम मॉडल वाइज देखेंगे। अच्छा, मॉडल जो है वो इंजन का होता है, जिस तरह कैटरपिलर में होते हैं 3500, 3400, C15, C18, इसी तरह परकिंस में हमारे पास जो 8.75 केवीए से स्टार्ट हो रहा है वो इंजन का मॉडल है 404D। तो ये जो 404D है ये एक चार सिलेंडर का इंजन है छोटा। इसकी जो रेटिंग है इसमें 8.75 मिनिमम है और 30 केवीए मैक्सिमम रेटिंग के परकिंस के जनरेटर्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ आ जाती है 1100 सीरीज़। 1100 में तीन सिलेंडर और चार सिलेंडर के इंजन हैं और छः सिलेंडर भी होते हैं। तो जो तीन सिलेंडर हैं उसको हम कहते हैं 1103 यानी 1103। तो 1103 जो है वो 45 केवीए से 65 केवीए तक होता है। उसके बाद 1104 यानी 1104 1104, इसकी रेटिंग जो है वो 80 से 100 केवीए तक होती है, 80 to 100 केवीए। उसके बाद 1000 सीरीज़ आ जाती है। 1000 सीरीज़ में सिक्स सिलेंडर का इंजन है जिसको 1006 कहते हैं। इसकी जो रेटिंग है वो 100 से 135 केवीए तक है। फिर 1106 आ जाता है, इसकी जो रेटिंग है वो 150 से 200 केवीए है। फिर 1300 सीरीज़ में हमारे सिक्स सिलेंडर होते हैं यानी 1306 मॉडल, इसमें 200 से लेकर 250 या 275 केवीए तक की रेटिंग के जनरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास 2000 सीरीज़ आ जाती है, उसमें हमारे पास 2200, 2300 और 2500 सीरीज़ है और फिर 2800 है। तो 2200 में, 2300 में और 2500 में छः सिलेंडर के ही होते हैं इंजन। ये 2206 जो होगा वो 300 to 400 के भी होगा और 2306 यानी कि 2306 2306 जो होगा वो 400 से 500 के भी के दरमियान में होगा। फिर 2500 सीरीज़ जो है वो 500 से 550 इसकी रेटिंग होती है। फिर 2800 सीरीज आ जाती है, 2800 में भी छः सिलेंडर है यानी 2806, ये हमारा 650 केवीए के अराउंड में ही होता है। उसके बाद फिर 4000 सीरीज़ आ जाती है परकिंस की। तो 4000 सीरीज़ में सबसे पहले 6 सिलेंडर है, फिर 8 सिलेंडर है, फिर 12 और फिर 16। तो 4006 जो है वो 750 केवीए है, 4008 जो है वो 1000 केवीए है, फिर 4012 जो है वो 1250 केवीए से लेकर 1700 केवीए तक है। फिर 4016 जो है वो 1850 यानी 1850 केवीए से लेकर 2250 केवीए तक है। तो ये सारी परकिंस की डीजल जनरेटर्स की सीरीज़ हैं। इसी तरह कैटरपिलर में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक तो सी सीरीज़ हैं जिनको एसर्ट कहते हैं, उसकी सीरीज़ की रेटिंग्स अलग हैं। और फिर जो 3300, 3400, 3500 और 3600 की सीरीज़ हैं वो अलग हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम डीजल जनरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो इसके जो 3300 सीरीज़ के इंजन हैं उसमें 3306 आता है यानी 3306, उसकी जो रेटिंग है वो 200 से 250 केवीए के दरमियान है। फिर 3400 सीरीज़ आ जाती है, 3400 सीरीज़ में 6 सिलेंडर भी होता है, 8 सिलेंडर भी और 12 सिलेंडर भी। तो 3406 यानी 3406 जो है वो 365 केवीए तक का है। फिर 3408 जो है वो 700 तक, सॉरी 450 तक चला जाता है, 450 केवीए तक। और 3412 यानी 3412 जो है इसमें चार तरह की रेटिंग्स हैं, एक 500 केवीए है, फिर एक 635 केवीए है, फिर 725 है और फिर 810 है। तो ये इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से बात करेंगे। कैटरपिलर का जो 3412 इंजन है इसमें पीक मॉडल जो होता है उसमें ये तीन तरह की रेटिंग्स होती हैं, इसके ऊपर हम अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी 3500 सीरीज़। तो 3500 सीरीज़ में 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर और 16 सिलेंडर हैं। तो 35
06, 3512 और 3516। तो 3508 जो है वो हमारे पास है 800 से 900 केवीए की रेंज में। फिर 3512 जो है वो 1200 से लेकर 1500 केवीए तक की रेंज में, और फिर 3516 जो है वो 2500 केवीए तक का होता है। उसके बाद 3600 सीरीज आती हैं। 3600 में 3608 है, यानी 8 सिलेंडर का, और फिर 12 और फिर 16 सिलेंडर। तो इनकी अगर रेटिंग को देखा जाए तो 3608 जो है वो 3500 केवीए तक का है। उसके बाद 3612 जो है 3612 ये 4850 केवीए तक का है। और फिर 3616 यानी 16 सिलेंडर का 3600 का जो इंजन है, डीजल जनरेटर है, वो 7500 केवीए तक का होता है। इसके बाद फिर जब हम कैटरपिलर की सी सीरीज़ पे बात करते हैं तो ये बहुत छोटे इंजन से शुरू हो रहा है, C1.1 से लेकर और C175 तक इसकी सीरीज़ है। तो C1.1 और C2.2 जो है ये 7, 8, 10, 12 केवीए इस तरह की रेटिंग में बहुत छोटे। फिर C4.4 आ जाता है जो कि 60 to 100 केवीए तक का है। फिर C9 आ जाता है 300 केवीए तक। फिर C13 आ जाता है 450 केवीए तक। फिर C15 आ जाता है 500 केवीए तक। फिर C18 है, C18 ये 750 केवीए तक का होता है। फिर C27 है जो कि 800 से 850 केवीए है। फिर C32 आ जाता है जो कि 1000 केवीए तक है। फिर C32 के बाद C175 ये 3 से 4000 केवीए का जनरेटर है। और उसके बाद C280 है जो कि 5000 से ऊपर केवीए की, 5500 केवीए तक की रेटिंग में होता है। तो ये कुछ रेटिंग्स थी परकिंस और कैटरपिलर के जनरेटर्स की। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई है, चूँकि इत्तेफाक ऐसा नहीं होता कि इन सारे जनरेटर्स पर ही बंदा काम करे, लेकिन जब भी वास्ता पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल कितनी रेटिंग में है और कितने सिलेंडर में है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान सीखता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैटरपिलर के पीक इंजन के ऊपर बात करेंगे जो कि 3412 होता है, यानी 3412। तो इंशाल्लाह उसके बारे में कुछ आपको मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।